लेकिन भाई ये जो लिंक रोड है ना, ये बहुत ही ज़्यादा बेकार है यार, बहुत ज़्यादा तंग है। तो इसमें भाई, अरे यार, ओ भाई, ये हमारे बाबूजी आ रहे हैं, ऊपर से गिर रखी है। और तो दोस्तों यार, आज अपने पास फिर से है एक कैटरिंग की बुकिंग। तो मैं अभी जा रहा हूँ भाई स्टोर पे, और वहाँ से गाड़ी लोड करके भाई हम रोहडू से जाएंगे भाई चिड़गांव। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हिमाचल रोड लाइफ व्लॉग्स। तो चलिए यार, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो फिलहाल अभी मैं पहुंचने वाला हूं यार फ्रेंड स्टोर पे। तो यहां से बस 100 मीटर की दूरी पे है अपना जो स्टोर है, वहां से भाई कैटरिंग का सामान सारा पड़ेगा अभी गाड़ी में। दो फोन गुम, तो दोस्तों यार यहाँ आप देख सकते हैं अपनी गाड़ी अभी हो रही है लोड। लोड तो क्या मतलब, पलटी हुई है। तो जो इधर वाली गाड़ी है भाई, इसकी क्लच प्लेट अभी फूक चुकी थी, इसलिए भाई गाड़ी पलटी हो रही है। मेरी गाड़ी में इसका सामान पलटी हो रहा है, कुछ सामान एक्स्ट्रा और पड़ रहा है। और यहाँ देखो अभी भाई जो सोफ़ा है वो गाड़ी में एडजस्ट किया जा रहा है, बाकी तो सारा सामान पड़ चुका है। तो जो बांस वगैरह है अभी ये बांधने हैं बस, और उसके बाद भाई सीधा यहाँ से अब निकलना है। तो यार भाई लोग, अभी हम गाड़ी लेके तो यहाँ से निकल लिए हैं और अब हमने जाना है भाई चिड़गांव। फाइनली यार दोस्तों, ये देखो हम पहुंच चुके हैं भाई चिड़गांव बाज़ार में। तो यहां से अपना जो बाज़ार है वो होता है शुरू। देखो आप दोस्तों, अभी पहुंचे हैं भाई आधे रास्ते में। आप देख सकते हैं भाई पीछे, मेरे पीछे गाड़ी वहां पे लगी है। रोड देख सकते हैं भाई, इस रोड से अभी जाना है भाई आगे मेन रोड से। तो हम निकल के आगे, हवा चल रही है भाई, बहुत बेकार रोड है यार, कच्ची रोड है। और इधर भाई अपनी गाड़ी खड़ी है सामने, और ये है भाई ग्राउंड। तो यार मेरे पीछे आप देख सकते हैं भाई, बहुत खुला ग्राउंड है यहाँ पे। तो भाई रुके हैं 2 मिनट के लिए, क्योंकि एक भाई अपने आने वाले हैं भाई, वो दूसरी गाड़ी में आ रहे हैं पीछे अपने किसी फ्रेंड के साथ। तो भाई उनका वेट कर रहे हैं अभी। ये हमारे बाबूजी आ रहे हैं फुल स्पीड से चलते हुए। बड़ी लेट कर दी भाई जी, बड़ी लेट कर दी। मैं कब से वेट कर रहे हैं हम, बैठो जल्दी बैठो। ओए गिरियो नहीं मेरे भाई, ओ भाई नीचे गिरना मत है। तो दोस्तों यार, अभी जो ये बांस है ये हो चुके हैं भाई ढीले, छूटने से बच गया है यार ये। अगर छूट जाता तो उस गाड़ी को लग जाता है सीधे ही, फिर तो नुकसान। ब्रेक मार दी थी, बंदे ने ब्रेक मार दी थी गाड़ी वाले ने। बजा बांस डाले में बजा उसके भाई, अगर शीशे में बचता ना तो ये इतना पहना है कि भाई फाड़ देना था उसका शीशा, और उसके बाद नुकसान फिर भरो। और अच्छे से बांधना यार दोस्त, विपिन विपिन नाम है ना, हाँ अच्छे से बांध दियो भाई। तो देखो यार दोस्तों, यहाँ पे इतना सामान तो लेके आ चुके हैं। ये पिछले कल आया है सामान दो गाड़ी में, और आज मैं आया हूँ एक चक्कर और लेके, वो सामान अभी उतारना है। सो दोस्तों यार, अनलोडिंग अभी चालू है, मतलब लगभग हो ही चुकी है। थोड़ा सा मतलब एक टॉप रह गया उतारने को, एम्पलीफायर वगैरह रह गए हैं। आप देखो यहाँ से भाई रास्ता है जहाँ शादी है उधर जाने का, और सामने देखो आप भाई पूरी क्या चोटी दिखाई दे रही भाई, खतरनाक वाली। और चारों तरफ भाई इसी तरह की चोटियां दिखाई दे रही है यहाँ से भाई, बहुत ज़्यादा हाइट पे आए हैं आज। और ये देखो भाई सामने बहुत मोटा पाइप है भाई बिछाया हुआ, उसके लिए ना पावर प्रोजेक्ट के लिए बिजली बनती है नीचे वहाँ पे, अभी दिखाऊंगा आपको जाते हुए। सो गाइस यार, अभी मैं गाड़ी खाली करके तो आ गया हूँ, लेकिन भाई ये जो लिंक रोड है ना, ये बहुत ही ज़्यादा बेकार है यार, बहुत ज़्यादा तंग है। तो इसमें भाई, अरे यार ओ भाई भाई भाई, गाड़ी बड़ी मुश्किल से निकलती है यार इसमें से। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ भाई रोड कैसा है। ये आप देखो भाई, इसमें मैं बैक करके ले गया था गाड़ी यार, बहुत ज़्यादा बेकार रोड है यार। देखो आप भाई, इतना तंग रोड है ना, एक गाड़ी के बिल्कुल बराबर है। और यहाँ तो देखो भाई पत्थर डाल रखे हैं भाई, पत्थर के ऊपर से ही ज़बरदस्ती निकाल के लेके जा रहा हूँ। ये देखो आप भाई किस तरह का रोड है यार यहाँ पे। तो यार गाइज, अभी उछल उछल के भाई पीठ में दर्द होने लग गया,
रोड की हालत देखो आप यार, कुछ इस तरह से। गाड़ी देखो भाई यहाँ पे पूरी खोल रखी है, कुछ भी नहीं है गाड़ी में बचा। तो भाई यहाँ पे है एक मोड़ भाई, बिल्कुल डाउन पे बना रखा है यार ये रोड, बिल्कुल डाउन पे, इतनी ज़्यादा डाउन है यार इस रोड में, अब क्या बताऊँ मैं आपको। हमें तो इस तरह के रोडों पे चलना पड़ता है। देखो आप कितने बड़े बड़े पत्थर है यार, इन पत्थर से भाई कट भी लग सकते हैं गाड़ी में, कभी भी लग सकते हैं कभी भी। तो भाई उस चीज़ का भी डर बना रहता है यार, कहीं टायर वगैरह ना कट जाए, अब काम भी करना ही पड़ता है। बहुत बेकार हालत है यार रोड की भी और इस वक्त मेरी भी। सो गाइस यार फाइनली अभी पहुंचा हूं भाई मेन रोड पे, आप देख सकते हैं भाई मेन रोड भी इसी तरह का है, ये भी कुछ ज्यादा खास अच्छा नहीं है। यहां पे देखो यार एक पावर हाउस है, और भाई ऊपर देखो पाइप, पूरी चोटी पे पाइप ले जा रखी है, और वहां से भाई पानी छोड़ा जाता है इस पाइप से सीधा पावर हाउस के अंदर जो टर्बाइन है उस पे, और भाई बिजली तैयार की जाती है। ये देखो भाई यहाँ से भाई अपनी लाइट आती है। सकते हैं भाई वार्निंग, भाई नदी के नज़दीक जाने के लिए मना कर रखा है, क्योंकि कभी भी वाटर का जो लेवल है वो बढ़ सकता है। पीछे से आप देखो भाई किस तरह की घाटी है, बहुत ज़्यादा मस्त व्यू आ रहा है। भाई मैं नीचे तो नहीं जाऊंगा, और यहाँ से देखो भाई क्या मस्त व्यू आ रहा है यार, बहुत ज़्यादा मस्त। सो दोस्तों यार यहाँ सामने आप देख सकते हैं भाई जाम लग रखा है, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक वाला, पुलिस वाले वगैरह भी वहाँ पे खड़े हैं। तो यार यहाँ का मामला कुछ ऐसा है कि भाई एक बाइक आ चुका है बस के नीचे, तो जिस वजह से भाई जाम लगा है बहुत ही ज़्यादा। तो भाई यहाँ पे देखो यार नीचे आपको कांच वगैरह दिख रहे होंगे, तो भाई जो बाइक है वो बस के नीचे घुस चुका था। यहाँ पे जाम देखो आप कितना लंबा जाम लग चुका है यहाँ पे भाई साहब, बहुत ज़्यादा खतरनाक। ये वाली बस थी भाई, इसके नीचे घुसा है। तो फ्रेंड्स यार अभी हम पहुंच चुके हैं अपने मार्केट में, और भाई यहाँ पे देखो यार एक गाड़ी का एक्सीडेंट हो रखा है बहुत ही खतरनाक वाला। यहाँ देखो यार ये गाड़ी भाई ऊपर से गिर रखी है, और सरियों के बीच गिरी हुई है गाड़ी भाई, ऊपर से गिरी है, वो जो बिल्डिंग है वहाँ से गिरी है गाड़ी, और सीधी आके रुकी है यहाँ पे भाई सरिये के बीच। तो इसमें डैमेज तो भाई हो रखे हैं बंदे, और उनको तो हॉस्पिटल ले लिया है। यहाँ देखो यार क्या खतरनाक एक्सीडेंट हो गया। तो यही बोल सकते हैं कि भाई सड़क पे चलो तो भाई पूरी सावधानी से चलना चाहिए। तो गाइस यार अभी है घर जाने के रास्ते पे हम, और यहाँ देखो भाई सामने एक शादी है, तो भाई शादी की सजावट देखो किस तरह से हो रखी है। तो अंधेरा हो गया है इस वजह से कुछ नहीं दिख रहा है, ये देखो आप भाई मार्केट यहाँ से किस तरह से दिख रहा है। तो अभी जा रहे हैं हम घर की ओर। तो ठीक है फिर यार आज के व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, आज के व्लॉग में था बस इतना ही। अच्छा लगा लाइक शेयर कमेंट ज़रूर से करें, और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दे, तने किया है सब्सक्राइब किया भाई, ठीक है इसने किया है, तो आप सब भी ज़रूर से कर दे चैनल को सब्सक्राइब। के फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक स्टे सेफ, जय हिंद जय भारत।